हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल परिंदे पीएससी। माय नेम इज प्रशांत चंद्रा। तो बहुत सारे बच्चों का इंतजार था, सर इन्वायरमेंट नोट्स कब आएगा कब आएगा, बहुत सारे मैसेज आए थे मेरे डेली। फाइनली इन्वायरमेंट नोट्स आ गया है और थोड़ा सा टाइम लग गया, बट एज यू नो इन्वायरमेंट इज़ वेरी लेंथी, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट, और इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च करके बनाना पड़ता है एनवायरनमेंट को, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी भी आता है, एग्रीकल्चर भी है, क्लाइमेट चेंज, अब सब कुछ बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है, एनवायरनमेंट, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। मेरे पास दोनों बुक है, पार्ट वन है एनवायरनमेंट की, ये पार्ट वन है और ये पार्ट टू है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। थोड़ी सी मोटी बुक बन गई, मैं इसका रीज़न बताऊँगा आपको अभी थोड़ी देर में जब हम लोग बुक डिस्कस करेंगे। और जो भी बच्चों को अगर नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप लिंक को क्लिक करेंगे, आपको सारा प्राइस डिटेल और प्रोसीजर जो भी है कैसे परचेज करना है आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर से पहले बता दूं कि एनवायरमेंट पे ये इसलिए अराउंड 450 पेजेस की बुक है, नोट्स हैं ये जो नोट्स हैं इसमें मैंने सारा कुछ कवर कर रखा है, फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। जिन बच्चों को लग रहा है कि लेंथी बुक है, देखिए वन लाइनर बुक जो होती है वो प्रीलिम्स में तक ही काम आती है, मेंस में आपको काम नहीं आएगी, ये कोई वन लाइनर नोट्स नहीं है, ठीक है। इसमें हर एक की जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, जो भी पॉइंट्स थे मैंने रेड में बना दिया है, उसको मैंने बॉक्स में कर दिया है, कई चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पिक्चराइजेशन वाइज सेम, जैसे ही आप पहले जितने भी बच्चों ने नोट्स लिए हमारे, जितने भी जीएस नोट्स थे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और जो भी मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, जो भी नोट्स बच्चों ने लिया है, आप वहाँ पे जो प्रोसीजर आपको दिखा है कि आपको डिटेल वाइज, वह उससे ज़्यादा पिक्चराइजेशन, क्योंकि इन्वायरमेंट में सब कुछ आपको पिक्चर के हिसाब से ही पढ़ना है, तो फोटोज़ मैंने बहुत सारी इसमें डाल रखी है, आपको फोटोज़ वाइज पूरा डिटेल में समझाया है। आपको लगेगा कि वास्ट बुक है, काफ़ी मोटी, लेकिन ट्रस्ट मी, जो भी रेड पॉइंट्स से रेड ब्लू और ग्रीन मैंने यूज़ किया है, पूरा जो भी कोड आप उसमें देखेंगे रेड ब्लू का, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उसको उसी को पढ़िएगा फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और मेंस के लिए मैंने बहुत बड़ा टेस्ट दे रखा है, पूरा पॉइंट वाइज समझाया है, ताकि आपको मेंस में काम आ जाए और प्रीलिम्स में काम आ जाए। अभी आपके पास टाइम है काफ़ी, अभी आपके पास 1.5 महीना बचा हुआ है प्रीलिम्स के लिए, आप इसको नोट्स लीजिए, क्योंकि एनवायरमेंट प्रीलिम्स के लिए एनवायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ज्योग्राफी एनवायरमेंट को क्लब करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जिस बच्चों को चाहिए ये नोट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, मैं फिर से बता दूं आपको सारे डिटेल, जो भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल है आपको सारे डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो में एक एक आपको पूरा डिस्कस कर देता हूँ। तो ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो हम लोग नोट्स वो बनाए हैं, ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू है, दो पार्ट में कवर्ड है, ठीक है। वीडियो शुरुआत करने से पहले ईच पार्ट वी विल डिस्कस, और पहले पार्ट को मैं आपको ग्लिम्स एक दिखा देता हूँ, ओवरव्यू कि कैसा ये बुक है। सेम वैसे ही है जैसे आपको और भी नोट्स मिलते हैं, सेम वैसे ही बनाया गया है, पिक्चराइजेशन वाइज हर एक एक चीज़ सेम वैसे ही बुक है। थोड़ी सी मोटी बन गई है जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि एनवायरमेंट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एनवायरमेंट, इसलिए थोड़ा सा हो गया। सेम क्वालिटी, सेम मटेरियल, हर चीज़ वैसे ही, जिन बच्चों ने पहले लिया वो जानते हैं। सेम क्योंकि इसमें पिक्चर ज़्यादा यूज़ हुआ है, इसलिए थोड़ी सी मोटी बुक बन गई है, ठीक है। लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको रेड लाइन में बता दिया गया है, आप प्रीलिम्स के लिए आप उसको फोकस करिए, जो बॉक्सेस में है उसमें फोकस करिए। देखिए पिक्चराइजेशन वाइज हर एक चीज़ बता दिया गया है, ये पार्ट वन है, ठीक है। चलिए मैं आपको पार्ट वन पूरा डिटेल में बता देता हूँ। ये पार्ट वन है इकोलॉजी का, देखिए हम लोग पूरा डिटेल में दिखा देता हूँ आपको। सेम वैसा ही मटेरियल है, सेम जैसे ही आप पहले नोट्स बनाते थे, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, जो भी फिजिकल ज्योग्राफी, जितने भी हमारे पास 8 हैंड रिटन नोट्स हैं, सेम की क्वालिटी और इसकी क्वालिटी सब कुछ सेम है, सेम पेपर क्वालिटी भी, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। ये कवर पेज है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का, इसमें दोनों है, तीनों पार्ट कवर्ड है, इकोलॉजी भी है, बायोडाइवर्सिटी भी है, क्लाइमेट चेंज है, और एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस आपके जितने भी एक्ट्स एंड पॉलिसीज इंडिया के परस्पेक्टिव में आए हैं, वो सब इसमें डिटेल में बताया गया है। पहला पार्ट है, पहला पेज है, आपको जो नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल मिल जाएगा सारा। आपको बता दूं कि एनवायरनमेंट पिछले 5-6 सालों से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एनवायरनमेंट क्या है, मोस्टली ज्योग्राफी के साथ क्लब करके क्वेश्चंस आते हैं,
तो इन्वायरमेंट में ज्योग्राफी भी है और ज्योग्राफी के अंदर भी इन्वायरमेंट आता है। तो इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, आप इस सब्जेक्ट को किसी भी टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसे से लेके GS1 में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, आप GS3 में भी यूज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंट और प्रीलिम्स के लिए तो ये सबसे रामबाण माना गया है इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट से करंट रिलेटेड इशूज़ और स्टैटिक पोर्शन मिला के आते हैं क्वेश्चन। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पिछले 5-6 सालों में खूब आता है UPSC में। तो इंडेक्स पेजेस है, देखिए पहले पार्ट में 1 से लेके 14 तक हैं पूरा, यहाँ पे पूरा इंडेक्स पेजेस, यहाँ पे पेज नंबर दिए गए हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जैसे कि हम लोग के हर बुक्स में रहता है। ठीक है, पहला चैप्टर है इकोलॉजी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इकोलॉजी। इकोलॉजी में काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं और आपको मेन्स में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ने से पहले आपको इकोलॉजी ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका बेसिक्स कंप्लीट होगा। यहाँ पे सारा बेसिक्स कंप्लीट है। फिर मैं बता दूँ प्रीलिम्स के लिए भी यह है, ये मेंस के लिए भी है। खाली मेंस में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है इस सब्जेक्ट के साथ, मोर देन सफिशिएंट, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें सब कुछ डिस्कस किया गया है, मोस्ट ऑफ द थिंग जो आपको लगता है कि इसमें नहीं है तो आप किसी बुक से पढ़ लीजिए, बट आप वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, वो पढ़ते रह जाएंगे। तो रैदर देन फोकस ऑन ओनली दिस नोट्स, या तो आपके पास जो भी बुक है, एक ही सब्जेक्ट को बार बार, हर वीडियो में बोलता हूँ, एक ही सब्जेक्ट को आपको सोर्स बनाना है, उसको बार बार पढ़ना है, या तो मेरे नोट्स पढ़िए या किसी की बुक पढ़िए। ठीक है, नोट्स में यहाँ पे मैंने कलरफुल बना रखा है, आपको पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको रेड में हाईलाइटेड हैं, आपको प्रीलिम्स के पहले वो रेड हाईलाइटेड पढ़ के जाना है, वो प्रीलिम्स में काम आ जाएगा। मेंस में आपको मैंने पूरा डिटेल वाइज पॉइंट वाइज यहाँ पे आगे मैं बताऊंगा, जो भी एक्ट्स एंड पॉलिसीज के पूरा पॉइंट वाइज बना रखा है, ताकि अगर मेंस में भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट वेरी इजली। ठीक है, तो इकोलॉजी का देखिए सेम वैसे ही चार्ट में बनाया गया है कि सपोज करिए बायोटिक फैक्टर एबायोटिक है, तो आपको शुरुआत में ही दिख जाएगा सर ने आप क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है, ये इकोलॉजी के है चैप्टर, सेम वैसे ही पिक्चराइजेशन वाइज है, या इसमें इन्वायरमेंट में पिक्चर ज़्यादा डाली गई है ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाए कि हाँ कि यहाँ से मैंने नोट्स पढ़ा था, सर के नोट्स से मैंने पढ़ा था, वहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये मेमोराइजेशन के लिए सबसे आसान रहेगा, इसलिए यहाँ पे फोटो डाल रखी है। आपको फोटो वाइज पढ़ना है, जब आपके माइंड में पिक्चराइजेशन आ जाती है तो आप वो चीज़ों को ग्रैस्प जल्दी करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको, लेकिन इन्वायरमेंट लेंदी सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट एक बार आप पढ़ लेंगे, आपको पढ़ना कंपलसरी है। ये कोई वन लाइनर बुक नहीं है कि आप वन लाइनर से आप कभी भी UPSC नहीं लिखा सकते। मार्केट में बहुत सारे वन लाइनर हैंड रिटन नोट्स आते हैं, बट यू विल नॉट एबल टू क्रैक UPSC इवन प्रीलिम्स ऑल्सो इफ़ यू रीड ओनली वन लाइनर बुक। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको फोकस ऑन, ये ऐसा नोट्स है इसमें आपको इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स भी दिए हुए हैं और वन लाइनर भी दिया हुआ है, और आपको मेंस पर्सपेक्टिव के लिए भी लेंदी चीज़ें दी हुई हैं, आपको आराम से वो पढ़ लेना है। नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। देखिए सेम पिक्चराइजेशन वाइज जो भी हमारे हर नोट्स में होता है आपने देखा होगा, इसमें और पिक्चराइजेशन यूज है, प्लस टेक्स्ट भी बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी मांग रहे थे, बट वो इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप इसमें इन्होंने करंट भी डाल रखा है जो अभी लेटेस्ट 2023 तक, ताकि जो है आपको करंट से आप रिलेट कर सकें। बायोमैग्निफिकेशन से 100% क्वेश्चन आता है, इवन मेंस में भी आप लिख सकते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से अगर कुछ आता है तो वहाँ पे एक टॉपिक आप इसको डाल सकते हैं मेंस में भी। ठीक है, बायोक्लिमेशन और बायो मैग्निफिकेशन, बायो जियोकेमिकल साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC में। आपको वाटर साइकिल, गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल, ये सब आते हैं क्वेश्चन, इनसे प्रीलिम्स कभी कभी क्वेश्चन UPSC पूछ लेता है। यहाँ देखिए प्रेडेशन, कॉम्पिटिशन, म्यूचुअलिज्म, कम्युनलिज्म, पैरासिटिज्म, ये जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं उनके बारे में, बायोटिक इंटरेक्शन क्या क्या होता है इनके बारे में यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है, प्लस और माइनस करके दे। नेगेटिव है मतलब कि उसका घाटा हो रहा है, पॉजिटिव मतलब उस ऑर्गेनिज्म का फायदा हो रहा है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया है, देखिए सेम क्वालिटी है, सेम वही पेज क्वालिटी आपको जो पहले मिलेगा। मैंने इसलिए कलरफुल, देखिए मार्केट में आपको इस तरह के नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इस टाइप के नोट जो भी हम लोग ने चालू किया था आज से 2 साल पहले, ये इसीलिए चालू किया था क्योंकि मार्केट में ऐसे नोट्स नहीं थे जो पढ़ के आपके दिमाग में आपको लगे कि हाँ एनिमेटेड फॉर्म में मैंने सर के नोट से पढ़ा है, ताकि आपको एक फीलिंग आए कि हाँ आपने
कलरफुल से पढ़ने से क्या फ़ायदा, क्या होता है आपके दिमाग में पिक्चराइजेशन वो छप जाती है कि हाँ पिक्चर देख के याद होता है। तो इस तरह मैं भी पढ़ता था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप फोटो ज़रूर देखिए ताकि आपको रिमेम्बर हो जाए, दिमाग में आपके याद हो जाए कि हाँ यहाँ पे नोट्स में इस फोटो से मैंने पढ़ा था। ट्रस्ट मी प्रीलिम्स में काफ़ी काम आता है ये चीज़। लेक इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट, यूट्रिफिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आपको पॉल्यूशन का कहीं भी टॉपिक आता है आपको यूट्रिफिकेशन डालना ही रहता है। तो ओलिगोट्रॉपिक लेक और यूकोट्रॉपिक लेक में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ देखिए ट्रॉपिक के हिसाब से, लेक के हिसाब से, आपको पिक्चराइजेशन के हिसाब से पता। आपको ये बड़ा बड़ा मतलब कि आपको मोटी बुक लगेगी, बट ट्रस्ट मी इस पेज में मैंने आपको थोड़ा सा बड़ा व्यू करके दिखाया है, अलग अलग करके, ताकि आप कोई भी अगर आपको पॉइंट्स लिखना है तो आप नोट डाउन यहाँ कर सकते हैं। आपको लगता है कि सर ने कम बताया, आपको आपको ज़्यादा आपने पढ़ा है तो आप यहाँ लिख लीजिए, बट ट्रस्ट मी इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। आप इससे ज़्यादा पढ़ने जाएंगे तो आप पढ़ते रह जाएंगे, आपको कभी याद नहीं होने वाला। इसलिए बोल रहा हूँ फिक्स रहिए, एक ही सब्जेक्ट पर आप स्टिक रहिए, वरना आप इधर उधर भागते रहेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ होते हैं इंडिया में, यहाँ पे देखिए मैप वाइज डिटेल में बता दिया है ताकि आपको याद हो जाए। कभी भी मेंस में भी क्वेश्चन आता है या प्रीलिम्स में तो आपको फैक्चुअल आता है, मेंस में क्वेश्चन आता है, ये चार्ट बना के आप आराम से, इवन ज्योग्राफी जीएस में भी क्वेश्चन आता है, इसको लिख, इसको आप डायग्राम बना के लिखिएगा, 100% आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे भी मैंने डिटेल में बता रखा है रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, हीट बजट फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में भी, एनवायरनमेंट में भी, तो ये पूरा क्लब्ड है एनवायरनमेंट। इसलिए मैं बोलता हूँ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट आपको एक साथ पढ़ना है, जिसकी ज्योग्राफी अच्छी उसका एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा 100%। टाइप्स ऑफ स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कीस्टोन स्पीशीज क्या होते हैं, अम्ब्रेला स्पीशीज क्या होता है, ये इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसलिए देखिए यहाँ मैंने पिक्चर वाइज में बता दिया है कीस्टोन स्पीशीज कौन कौन से होते हैं, इसको आप प्लीज़ डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बहुत आपको लग रहा है कि लेंदी है ये पढ़ने में, बट आप इसको पढ़ेंगे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने हाईलाइट किए हैं रेड में और जो की पॉइंट्स हाईलाइट हैं उसको आप जरूर प्रीलिम्स में पढ़ें। जो इसलिए फिर से बोल दूँ, जो प्रीलिम्स के लिए की हाईलाइटेड पॉइंट है वो प्रीलिम्स के लिए उसको 100% पढ़ के लेके जाइएगा। देखिए जितने टाइप के स्पीशीज हैं उनके फोटो वाइज जितने भी यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया। एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, एनिमल में जितने भी मतलब कि देखिए मोस्ट ऑफ द एनिमल जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है, वो मैंने कवर कर रखा है। जो आपको लगता है कि सर ने नहीं कवर रखा है वो आप पढ़ लीजिएगा, बट आगे मैंने लिस्ट भी बना दी है, उस लिस्ट में सारे एनिमल्स कवर्ड हैं, शेड्यूल किस किस शेड्यूल्स में, शेड्यूल वन, शेड्यूल टू, शेड्यूल थ्री में, वो भी अमेंडमेंट भी हुआ उसका, वो कहाँ कहाँ आते हैं उसमें एक फोटो दिया रहा है, उसमें सब दिया रहा है। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिक्चराइजेशन वाइज डिटेल में यहाँ पे एनिमल जितनी भी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है उसका डिटेल में बता दीजिए। यहाँ पे क्रिटिकल एंडेंजर्ड बर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ये यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे पिक्चराइजेशन आप देखिए सब कुछ एकदम क्लियरली पिक्चर वाइज आपको बता दिया गया है। इस तरह की बुक्स, इस तरह के नोट्स आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, आप कहीं भी देखने जाओगे इस तरह का आपको डिटेल वर्जन में आपको कोई नहीं समझाएगा। ये हम लोग इसलिए बना के रखें क्योंकि हम लोग ने स्ट्रगल किया है इस टाइप के नोट्स के लिए। अगर हम लोग के टाइम इस टाइप के नोट्स अवेलेबल होते तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस टाइम अवेलेबल नहीं होते थे, तो इसीलिए मैंने इस टाइप के नोट्स बनाए ताकि आपको आसानी हो जाए, आपको यूपीएससी निकालने में आसानी, मार्क्स अच्छे लाने में आसानी रहे। ठीक है, लास्ट चैप्टर है पार्ट वन का प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बताया है। नेशनल पार्क और वर्सेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या डिफरेंस होता है, ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट में बता दिया गया है। ठीक है, आपको डिटेल में दिख जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो, उसके बारे में डिटेल में यहाँ बताया गया है। जितने भी इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व बता दिया गया है, थ्री जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बता दिया गया। ये बाकी के नोट्स अवेलेबल हैं, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी है, एंशियंट है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है एंड मिडिवल इंडिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे आपको लिंक मिल जाएगा, आपको डिटेल वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो पार्ट वन कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पार्ट टू। पार्ट वन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग पार्ट टू डिस्कस करते हैं। ठीक है, पार्ट टू है, आपको एक बार ग्लिम्स में दिखा देता हूँ पार्ट टू कैसा है। सेम वैसे ही है जैसे ही आपको पार्ट वन मिलेगा, सेम वैसे ही है। इसमें पिक्चराइजेशन ही मैंने यूज़ किया ज़्यादा, फ्लो चार्ट एंड पिक्चराइजेशन यूज़ हुआ है हर जगह आपको। ठीक है, एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर पोर्शन भी इसमें कवर्ड है। जितने भी रूल्स, मैनेजमेंट और एक्ट्स आए हैं इसमें मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने भी हैं इंस्टीट्यूशन मेजर सब यहाँ पे डाल रखे, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है सब यहाँ डाल रखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी सब यहाँ पे डाल रखा है मैंने। ठीक है, ये इंडेक्स है, यहाँ पे 15 से लेकर 27 तक चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड पार्ट का, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने टाइप के प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। जितना भी प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड स्टेट क्या करता है, अप्रूव कौन करता है, NTCA क्या होता है, यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या क्या है, यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, बट ट्रस्ट में आप उसको पढ़ लेंगे, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही पढ़िएगा जो मैंने रेड में और बॉक्सेस में दे रखा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बताया गया है। सबसे अच्छा चीज़ है, देखिए यहाँ पे कई बच्चों को, मेरे से बच्चे पूछते हैं सर अफ्रीकन एलिफेंट में क्या डिफरेंस होता है, इंडियन एलिफेंट और मलेशियन और श्रीलंकन एलिफेंट में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे जितने भी टाइप के एलिफेंट्स, अफ्रीकन, आपको अफ्रीकन फॉरेस्ट, अफ्रीकन बुश, एशियन एलिफेंट, बॉर्नियो एलिफेंट, सुमात्रन और श्रीलंकन एलिफेंट में डिफरेंस क्या क्या होता है, यहाँ डिटेल उनका IUCN स्टेटस क्या है, वो भी यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है। प्रोजेक्ट वल्चर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हॉट टॉपिक है वल्चर, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम को ये बचा कर रखता है वल्चर, इसलिए और उनकी संख्या अभी कम हो रही है धीरे धीरे, तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, तो इसके बारे में इस प्रोजेक्ट वल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSC में भी इसमें क्वेश्चंस आ सकता है, इवन UPSC प्रीलिम्स में भी, ठीक है। यहाँ कितने टाइप के वल्चर इंडिया में पाए जाते हैं, यहाँ पे डिटेल में आपको फोटो वाइज मैंने समझा दिया है, ताकि आपको UPSC में कहीं भी आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा, हाँ सर के नोट्स मैंने फोटो पढ़ा था, ये जानवर का देखा था, मेरे को याद हो गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं, बच्चे में कई सारे बच्चे बोलते सर नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रोजन फिक्सेशन और डीनाइट्रिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है, उनको नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया गया डिटेल में, ठीक है। आपको तभी समझ में आ जाएगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन आता है UPSC, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन एक्ट्स एंड पॉलिसीज, यहाँ से जितने भी रिलेटेड यहाँ पूरा आपको जितने भी एक्ट्स एंड पॉलिसीज से रिलेटेड इंडिया के एक्ट्स एंड पॉलिसीज हैं वो यहाँ पे डिटेल में बता रखा है। जितना भी रेड में है आप उसको उसमें फोकस ज़्यादा करिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो टॉपिक आप पढ़ के जाते हैं एग्जाम में कुछ कुछ वर्ड्स ही याद आते हैं, ट्रस्ट मी, जब आप मेंस का लिखते हैं, स्पेशली मेंस। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 में जो अभी करंट का है पूरा, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन UPSC तो हर साल पूछता ही है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर एनवायरमेंट रिलेटेड हेल्थ इशूज, जितने भी रिलेटेड हेल्थ इशूज हैं एनवायरमेंट पोल्यूशन से यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है। जो जो बीमारियाँ होती हैं उसके वेरियस डिजीज, जो मिनमाटा डिजीज हो गया, इटाइटाई डिजीज हो गई, ये UPSC में आता है, जो भी रिलेटेड डिजीज उनको फोटो के हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया, ताकि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्लाइमेट चेंज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये तो हॉट टॉपिक हमेशा बना रहता है, वही तभी तो मैंने बोला कि इन्वायरमेंट एज अ सब्जेक्ट है कि आप किसी टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं, ये क्लाइमेट चेंज तो किसी टॉपिक में यूज़ करते हैं, इवन जोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आप पॉलिटी में यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट तो आप यूज़ ही कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में, कार्बन सिंक, ये UPSC हमेशा पूछता है मेंस, स्पेशली मेंस में कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन ऑफसेट क्या होता है, UPSC में भी करंट में भी तो ही है, तो ये क्वेश्चंस आते रहते हैं UPSC में, ठीक है। कार्बन टैक्स क्या होता है यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया, जी इंजीनियरिंग क्या है इसके डिटेल में आपको बता दिया, कार्बन ट्रेडिंग किसको कहते हैं इसको यहाँ पे चरेशन वाइज आपको बताया, ताकि आपको समझ में आ जाए कार्बन की ट्रेडिंग कैसे की जाती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने अलग अलग चैप्टर बना दिया है। UNFCCC के बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया, UNFCCC है वो क्या, उसके जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुए थे 1, 2, 3, 4 से लेके हर चीज़ डिटेल में बताई गई है। COP3 में क्या क्या हुआ था, क्या क्या है इंपॉर्टेंट, जितना भी आप देख रहे हैं सब कुछ यहाँ डिटेल में, उसके बीच में आपको समझ में नहीं आता कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल COP3 में कार्बन ट्रेडिंग की बात की गई, तो यहाँ पर कार्बन ट्रेडिंग मैंने आपको समझा दिया होता क्या है, ठीक है। अभी जितना भी लेटेस्ट है वहाँ तक आपको समझा दिया, 2022 तक इजिप्ट में हुआ था उसके बारे में, और 2027 के बारे में बता दिया गया डिटेल में, COP28 2023 में हुआ था दुबई में, उसके वहाँ भी क्या क्या निकल के आया था डिटेल में आपको समझा दिया गया, ठीक है। फिर से बाकी के नोट्स अवेलेबल है हमारे पास, जो भी आपको नोट्स लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको लिंक और डिटेल मिल जाएगा, वहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया, आप क्लिक करेंगे आपको डिटेल मिल जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट के नोट्स आपको मैंने दिखा दिया है, आपको मैंने रिव्यू कर दिया है, ट्रस्ट मी आप Part 1 या Part 2 है, आपको इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी, वैसे भी मैंने 450 पेज के अराउंड ये बुक है, 450 पेजेस हैं इसमें बुक, काफ़ी लेंदी बुक है, लेंदी इसलिए है क्योंकि मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि ये वास्ट सब्जेक्ट है, उसको मैंने इसमें मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड सब कुछ मैं कवर कर रखा है, ताकि आपको वन स्टॉप सोल्यूशन रहे, आपको कहीं जाना नहीं पड़े, ठीक है।
तो किसी को भी नोट्स चाहिए एनवायरनमेंट के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, सैंपल्स डाउनलोड कर लें, सैंपल्स देख सकते हैं, लिंक में क्लिक करेंगे, जो भी डिटेल वहाँ पे दिया है उसको प्रोसीजर को आप फॉलो करिए या तो व्हाट्सएप करिए, दो नंबर नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल में सारा मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स, थैंक यू।